हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति देसी गर्ल। और मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, सो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। तो गाइस, मैं आप सबको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि बारिश हो रही है और सीज़न बारिश का है, तो बहुत ज़्यादा मतलब पानी वानी भर जाता है। तो आपको पता होगा शायद, हम जहाँ पर रहते हैं वहीं पर ही जमुना जी भी है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस में देखा होगा, नोटिस करा होगा। तो अभी ये हो गया है कि हथनीकुंड बांध है एक, वहाँ से ना पानी छोड़ा जाता है बहुत सारा, तो जिसकी वजह से ना हमें बहुत ज़्यादा मतलब हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मतलब आप पुश्ते के नीचे के साइड जो लोग रहते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया है, आगे तक पानी आ गया है। मतलब मोस्टली इतना कभी नहीं आता था इतना पानी, इस बार आगे तक पानी आ गया है। और दूसरा ये कि अब पुश्ते के नीचे बहुत सारे घर बन गए हैं, कॉलोनी हो गई है एक पूरी। तो अब उन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है मतलब रहने में। तो बाहर टेंट वेंट लगाए गए हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको एक बार दिखा दूँगी। अभी मैं पहले एक बार आपको छत पे से दिखा देती हूँ, और मैं फिर वहाँ का भी आपको दिखाऊँगी कि कैसा है। देखने वालों की इतनी भीड़ है, तो रहने वालों का क्या हाल होगा। दो से तीन लोग मतलब ख़त्म भी हो चुके हैं करंट की वजह से, क्योंकि पानी है और पूरे में करंट फैला हुआ है। तो उनकी फैमिली की कंडीशन भी थोड़ी सी ख़राब है। पानी भी स्पीड में जा रहा है एकदम, वहां से देख उधर से दिख रहा है, देख सामने वहां से। तो गाइज, ये हमारी छत का व्यू है, और वो सामने नोएडा की बिल्डिंग्स है, और वो जो आपको दिख रहा होगा वहां पे, वो जमुना जी है। तो यहाँ से देखो, ये सारा पानी जमुना जी का ही है जो यहाँ तक आ गया है, और पुलिस वाले सब लोग तैनात है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी जो भी वहाँ पे चल रहा है अभी तक। तो मुश्किल से यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर जमुना जी होगी, बट यहाँ तक पानी आ गया है। अब आप सोच सकते हो और कितनी भीड़ लग रही है, मीडिया वाले भी बहुत सारे आ रहे हैं। पानी लाए हैं शायद, अच्छा वॉशरूम है, टॉयलेट्स आए हैं। अरे यार, ये तो हमारे घर के आगे लगा रहे हैं, वॉशरूम तो लगा रहे हैं। इन्हें और कहीं जगह ना मिली। बेटी बेटी, हाँ क्या हुआ, झाड़ू लगा रहा है। पुलिस वाले अंदर किसी को जान नहीं दे रहे, और ये देखो नाव आ रही है वहाँ से, जहाँ पे लोगों का सामान वगैरह जो भी है या उसको भी नाव में आना है, तो उसको लेके आ रहे हैं। पुलिस वाले भी आ रहे हैं, वाओ। ये बस भरने के लिए आई है, मुझे ऐसा लग रहा है।
जिन लोगों के घर डूब गए जमुना जी में, मतलब आधे आधे उन लोगों को यहाँ पे बैठाया हुआ है, अभी गरीब ये लोग बैठे हैं। बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि पानी ज़्यादा बढ़ेगा, और पीछे की साइड तो पूरे जिनके भी खेत वेत थे वो सारे मतलब पानी में हो गए हैं, और काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ है, कुछ लोगों को बाहर रहना पड़ रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। मीडिया वगैरह भी आ रही है और बहुत सारी सुविधा भी कर दी है, खाना वगैरह आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और टॉयलेट्स वगैरह भी मतलब आ गए हैं उनके लिए। सो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से तो पूरी उनको सुविधा मिल रही है, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, और कल का देखते हैं क्या पानी बढ़ता है घटता है जो भी है। सो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, मुझे लगा कि एक बार मैं डाल देती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग देख पा रहे नहीं देख पा रहे, तो इसलिए आप सब देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।